हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आला ब्यूटी की कोचिंग राजेश टू में आपका वेलकम है। आज हम आपको लेसर एक मानव स्वास्थ्य तथा रोग से जीवाणु से होने वाले रोग को बताते हैं। देखिए, जीवाणु से होने वाले रोग का एक ट्रिक हम बनाए हैं, उस ट्रिक के माध्यम से आपको हम सिखाने का प्रयास करें। देखिए, एक ट्रिक हमारी है, जो आप ट्रिक देखेंगे आप वाकई कहेंगे सब याद हो जाएगा। ओके, इतनी बीमारी जो जीवाणु से होती है। देखिए सब लोग, आप लोग ओपन ओपन करिए फटाफट कॉपी पेन और तैयार हो जाइए लिखने के लिए। देखिए ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं कि जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। तो हेयरिंग डालिए सब लोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग क्या कहेंगे? जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग। देखिए एक ट्रिक क्या है, जीएसटी, देखिए है ना, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है रिया। देखिए ना, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है रिया। अब रटिए दो तीन बार करिए एकदम, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है रिया, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है रिया। देखिए, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है रिया। इसी तरह दो चार बार आप बोलेंगे आप आपको हमेशा आ जाएगा। ओके ठीक, नहीं एकदम पूरा। चलिए अब हम आपको हम ये बताते हैं कि देखिए फुल फॉर्म क्या है जीएसटी। देखिए, जी से गोनोरिया, यस से सिफिलिस, टी से टाइफाइड, पी से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, टी से टीबी, टीबी को तपेदिक भी कहते हैं, देखिए तपेदिक हिंदी में, का से काली खांसी या कुष्ठ रोग। देखिए दो इसी का से दो रोग ले लीजिए, काली खांसी कुष्ठ रोग को ही कोढ़ कहते हैं। देखिए टीका का जो टीका, जैसे टिटनस, न्यू से निमोनिया, है से हैजा, री से देखिए रिया बैक्टीरिया। लास्ट वर्ड आप इसका देखिए, देखिए बैक्टीरिया कैसे लिखा है, देखिए है ना बैक्टीरिया, आप उसी से पकड़ेंगे कि इसे इसकी है। जैसे आप लिख रहे हैं बैक्टीरिया, बैक देखिए टीरिया है ना बैक्टीरिया, अगर आप इतना वर्ड मिटा देते हैं देखिए रिया, तो बैक्टीरिया देखिए उसे आपको हो जाएगा। ठीक है, अब सभी लोग को याद हो जाएगा। इतनी बीमारी के बारे में आप सभी को पढ़ना है। ओके, देखिए सभी को आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात को आगे ना बढ़ाते हुए कि कौन सी बीमारी कैसे होती है अब ये बताते हैं। अगर इतनी बीमारी आए इसमें से कोई भी आपको लिखना हो, ठीक है, कोई भी लिखना है, जैसे मान लीजिए आप काली खांसी के बारे में आपको लिखना है, आपको नहीं आ रहा है, तो काली खांसी जीवाणु से होने वाला एक रोग है, यह बच्चे बूढ़े में सभी में होता है। देखिए इसी तरह से आप शुरू करिएगा कोई भी बीमारी, जब भी लाइन शुरू करिए यह बीमारी जीवाणु से होने वाला रोग। देखिए इसमें कितनी बीमारी, एक दो तीन चार पाँच छः पर सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह बीमारी इसमें देखिए हमने आपको बता दिए है। अब इसी को पूरा आपको नोट देंगे कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, बुक से आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, उसके बाद आप लिख डालिए पूरा। चलिए देखिए एक एक बीमारी बता दें। देखिए गोनोरिया जो है, गोनोरिया ये जीवाणु से होने वाला ये रोग है। ये खासकर देखिए किसमें होता है, ये खासकर लड़कियों में बहुत ज्यादा होता है, लड़कियों स्त्रियों में, ये क्या फीमेल में ज्यादा होता है, ये फीमेल में ज्यादा होता है। गोनोरिया और सिफिलिस के दोनों ही रोग इस किसमें होता है, मेल फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा। गोनोरिया और सिफिलिस होने वाला है क्या है, जीवाणु से होने वाला एक रोग है ये। सॉरी, देखिए ये लड़कियों स्त्रियों में जो क्या होती है, एडल्ट होती है, उसी में ये रोग होता है। ये क्यों होता है, इसके होने के सबसे बड़ा कारण, क्योंकि इसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जो जीवाणु होते हैं वही हो जाते हैं, उसी की वजह से देखिए होता है। इसमें कौन से जीवाणु कहाँ से आते हैं, जब आतोचक्र, जो आतोचक्र जब उन्हें आता है तो वो क्या होता है, साफ कपड़े का इस्तेमाल ना करते हुए, ठीक है, जैसे विस्पर कोटिक्स ये सब इस्तेमाल ना करते हुए, वो किसी गंदे कपड़े का जब इस्तेमाल करती हैं तो उनके जो उस मार्ग से, बाथरूम के रास्ते से एक गाढ़ा गाढ़ा तरल पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है, गाढ़ा गाढ़ा तरल पदार्थ निकलता है। और देखिए किसमें निकलता है, सिफिलिस वाले में गाढ़ा गाढ़ा तरल पदार्थ निकलता है, गोनोरिया वाले में उनके जो
बाथरूम के रास्ते में ये छोटे 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 फुंसी हो जाते हैं। क्या हो जाती हैं? छोटे 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 फुंसी हो जाती हैं, इसी कारण उनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। देखिए दियर, तो उनमें क्या होता है, छोटे छोटे जो फुंसी हो जाती हैं और एक वही क्या होती है, फफोले टाइप का ऐसे हो जाती है। वही फफोले टाइप की जो फुंसियां होती है, जब फूटती हैं मतलब उनमें दर्द होता है, बहुत ही तरह तरह के दर्द होते हैं और उसी से पस निकलता है। तो ये रोग उनमें एक भयानक रोग तो नहीं है, बहुत ज्यादा खतरनाक भी रोग नहीं है, लेकिन इस तरह हो जाता है। और आपको बुक से आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इतने थोड़ा थोड़ा बताएंगे। देखिए टायफाइड जानते हैं, टायफाइड कैसे होता है? देखिए टाइफाइड कितने ही लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते बताइए, टाइफाइड सब बताइए, कितने लोग को मालूम है टाइफाइड क्या होता है बताइए, सब लोग बताइए किसको किसको टाइफाइड मालूम। देखिए टाइफाइड नहीं मालूम, बता रहा है, टाइफाइड को दूसरा नाम मियादी बुखार। देखिए टाइफाइड का दूसरा नाम मियादी बुखार है, ये जीवाणु से होने वाला रोग है। ये रोग आता हमें कहां, ये दूषित भोजन, दूषित जल, ठीक है, दूसरे जगह तो गंदा जल है, जैसे भोजन कुछ जो खुले चीजें हम खाते हैं, खुला चीज हम खाते हैं, यही टाइफाइड, इसी से टाइफाइड होता है, ठीक है कि नहीं एकदम। यह 21 दिन बाद हमको ठीक होता है, कितने दिन बाद, 21 दिन बाद ठीक होता है। और इस डिटेल में हम अभी आपको लिखवा भी देते हैं। देखिए आगे, प्लेग, प्लेग जो है एक चूहों से होने वाला एक तरह का रोग है, ठीक है, चूहों में एक तरह का उसमें वो पाया जाता है, कुछ ऐसे ही पाया जाता है, कुछ ऐसे जो मर जाते हैं चूहे उसी से निकलता है। और ये एक घातक बीमारी, घातक समझते हैं, पहले के जमाने में जब होता था प्लेग तो पूरा एक गांव ही सफा हो जाता था। क्या हो जाता था? पूरा गांव ही सफा हो जाता था, ठीक कि नहीं समझ में आ रहा है बताइए। इसे काली मृत्यु भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, काली मृत्यु भी कहते हैं। देखिए दोस्तों प्लेग जो है इसे काली मृत्यु के नाम से भी जानते हैं, चूहों से होने वाले, चूहों से जो मरे हुए चूहे होते हैं उन्हीं से होता है। इससे पहले जमाने में घातक बीमारी से कहा जाता है, और इसके होने से पूरे पूरे गांव भी सफा हो जाता है, इसे प्लेग, इसी को प्लेग कहते हैं। देखिए डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो बच्चों में होता है तो सांस उत्पन्न नीचे होने लगती है, ठीक है कि नहीं है बताइए, डिप्थीरिया। बोले देखिए डिप्थीरिया जो है इसमें जो सांस होती है ऊपर नीचे होने, ये भी जीवाणु से होने वाले तरह का रोग है। देखिए काली खांसी जो है ये भी जीवाणु से होने वाला रोग है, ये शीत गर्म ठंडे से होता है, और एक तरह का भी देखिए जीवाणु से उत्पन्न होने वाला है, भी एक तरह का रोग है। ये होने पर फेफड़ों में या फेफड़े जो श्वास नली होते हैं वो संक्रमित हो जाते हैं। देखिए जैसे वो खांसी आ रही है ना, देखिए देखिए ये एक काली खांसी ने, खांसी देखिए कई तरह की है, काली खांसी, कुकर खांसी, भैंसैया खांसी, कई तरह की खांसी होती है। तो काली खांसी थोड़ा सा मतलब बहुत अजीब तरह की होती है, जिसमें श्वास श्वास में जो होता है और गले में जो होता है, श्लेष में जो होता है और जहाँ होता है, आदमी जो होता है वो क्या होता है, सांस नहीं ले पाता है, इसीलिए श्वास सिस्टम उसका क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। किसे ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है बता सकते हैं कोई? श्लेष में से उसके जो कफ होता है, जो कफ उसको जाम कर लेता है। देखिए कुष्ठ रोग भी, कुष्ठ रोग को कोढ़ कहते हैं, ये भी जीवाणु से होने तरह का रोग रहता है। कुष्ठ रोग होने पर ये पूरे हाथ जो होते हैं कर करके गिरने लगते हैं, मांस कर करके गिरने लगते हैं, और एक तरह की सड़न होती है। ये क्या होती है, ये एक तरह की छुआछूत बीमारी है। ओके चलिए देखिए टीका का टिटनेस है, टिटनेस जो जानते हैं, ये कोई किल या जो जो जंग लगी किल होती है जिसमें मूर्छा उर्चा लगा रहता है, जंग लगी किल होती है, उसके चुभने से क्या होता है, टिटनेस हो जाता है, उसमें एक जीवाणु तरह पैदा, जिस मृदा जितनी मृदा है मृदु में जीवाणु होते हैं उसी में ये क्या होता है, टिटनेस हो जाते हैं। और इसके होने से शरीर में तेज बुखार आ जाता है, जिससे हाथ पैर कांपने लगते हैं, शरीर अकल जाता है, और व्यक्ति की मृत्यु, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए कभी कभी टिटनेस जो होता है कुत्ता काटने से होता है, जानवरों के भी काटने से हो जाता है, इसलिए लोग टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं। इज दैट क्लियर? देखिए सभी समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको आगे बताते हैं, निमोनिया, निमोनिया जो है देखिए ये बच्चों में होने वाला एक तरह का रोग है, निमोनिया, ठीक है, जिसमें बच्चे बड़े लंबी लंबी सांस लेते हैं, बुखार होता है, निमोनिया। देखिए एक जीवाणु से होने वाला एक तरह का रोग है। देखिए हैजा भी है, हैजा कागरा जो होता है ये भी दूषित भोजन से होता है, उसमें जीवाणु जो पैदा हो जाते हैं
उससे भी हजम कर रहे थे, इसमें बहुत तेज तरह उल्टी होने लगती है और क्या होता है, खाना वाना नहीं पचता है। अब देखिए बैक्टीरिया हम जानते हैं कि जो लिया है बैक्टीरिया है। देखिए इतने चीजें का अब हम आपको नोट प्रोवाइड करा दे रहे हैं, आप उसको लिख लीजिए। देखिए ये तो हल्का सुनने दिया, अब इसके बारे में अगले वीडियो में जो हम आपको इसके डिटेल डिटेल बताएंगे, पहले आप नोट बना लीजिए, आपकी अच्छी नोट हो जाए जिससे आप अच्छे नंबर ला सके, और पढ़ देखिए जो भी प्रोवाइड कराएंगे वो आपको अच्छी नोट देंगे। ठीक है, चलिए अब आपको पढ़ाते हैं, सब राय लिखिए फटाफट। देखिए दोस्तों जीवाणु से होने वाले रोग, देखिए जीवाणु जनित महत्वपूर्ण मानव रोग, देखिए एक जितने भी रोग हैं अब धीरे धीरे हम आपको बताते हैं। अब देखिए पहला टाइफाइड है, टाइफाइड के दूसरा नाम मियादी बुखार है, या देखिए आत्र ज्वर है, टाइफाइड है, या देखिए एंट्रिक या फीवर। अब इसके बारे में लिखिए, देखिए देखिए ये भोजन, देखिए है ना, देखिए ये भोजन में उपस्थित एक जीवाणु, देखिए ना सर, देखिए क्या है, सलमोनेला टाइफाइडी या एबरथेला टाइफोसा के संक्रमण से होता है, जो कि दूषित क्या है, संदूषित लिखा लेकिन दूषित लिखिए, दूषित भोजन या पानी के द्वारा फैलता है। इस रोग के जीवाणु भोजन के साथ छोटी आंत में पहुँच कर, देखिए है ना, पहुँच कर उसकी दीवार को क्षतिग्रस्त करते हैं, जिससे खूनी नासूर बन जाते हैं। कालांतर में जीवाणु, पहले इतना लिख लीजिए तो पन्ना पलटे तब आपको हम, देखिए हिलाओ ना भाई, हिलाओ ना, हिलाओ ना, चलिए आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट राइट करते चलिए। देखिए जो लोग वीडियो लिख रहे हैं वीडियो लिखें, और जो लोग ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे लिखते चलिए। चलिए आगे बढ़ें, चलिए किसी, चलिए आगे बढ़ते इसको पूरा करिए। चलिए देखिए दूध दूध का यूज करते चल रहे हैं ताकि आपको जल जल्दी आ जाए। देखिए रुधिर में फैल जाता है, इस रोग के लक्षण लगातार उच्च ज्वर, 39 से 40 कमजोरी, अमाशय में दर्द, कब्ज, सिर दर्द, भूख ना लगना, ठीक है आदि। इस ज्वर को मियादी बुखार, देखिए इस ज्वर को मच्छर काट रहा है, इस ज्वर को मियादी बुखार इसलिए कहते हैं कि समानता ये हुआ कई दिन बाद ठीक हो जाता है। इस रोग के पहले सप्ताह में देखिए भूख, देखिए इस सप्ताह में बुखार से दर्द होता है, दूसरे सप्ताह में जीवाणु अनेक उत्कों में प्रवेश करते, देखिए नहीं लिखना है गंभीर है ना, नहीं इतना लिखी लिखी, दूसरे सप्ताह में जीवाणु उत्कों में प्रवेश कर जाता है, गंभीर बीमारी में आंत में छेद हो जाता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। देखिए फिर उसके बाद दो लाइन छोड़ छोड़ के फिर लिखी इसे, इस रोग से बचाव हेतु एक टीका लगाया जाता है तथा उपचार हेतु, देखिए सिप्रोफ्लेक्सिन, क्लोरोफ्लेक्सिनिकोल जो है प्रतिजैविक औषधि प्रयोग किया जाता है। इस रोग की पुष्टि हेतु विडाल औषधि, विडाल परीक्षण द्वारा एंटीजिन OHHHBP की सहायता की जाती है। देखिए फटाफट लिख लीजिए, देखिए ना दिखाई थोड़ा बड़ा कर दें आपको, चलिए देखिए दूसरा, देखिए निमोनिया, अब देखिए निमोनिया भी आपको बता रहे हैं, देखिए दिखाई दे रहा आपको, देखिए आप लोग लिख लीजिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें आए निमोनिया, देखिए ये रोग मानव में, देखिए है ना, देखिए अब क्या बोले, यही चीज लिख लीजिए, वो भी लिखवाना है। देखिए दोस्तों आगे निमोनिया, देखिए ये रूप मानव में, देखिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया
एवं हेमिफिलस इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणु द्वारा होता है। यह रोग मानव में फुसफुस के वायु कोष्ठ के तल भर जाने, श्वसन में कठिनाई होता है तथा ज्वर के साथ ठंड लगना, सिर सिर दर्द, खांसी आदि इस रोग के लक्षण हैं। इस रोग के गंभीर होने पर ओठ और हाथ के नाखून का रंग दूसरे ग्रे से लेकर नीला हो जाता है। इस रोग का संक्रमण संक्रमित व्यक्ति द्वारा या ड्रॉपलेस या एयरसोल, देखिए ना, एयरसोल तथा संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए गिलास एवं बर्तन के उपयोग करने से होता है। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफ्लेक्निकोल आदि प्रतिजैविक इस रोग के उपचार हेतु व्यापक होता है। देखिए सब लोग लिख लीजिए, अगर नया है तो देखिए क्योंकि छूटा नहीं ना। चलिए वो जब फिर आगे चलते हैं, कुछ डिप्थीरिया या कंट रोहड़ी, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए अच्छी तरह से ताकि छूटे ना एकदम। चलिए अब आगे आते हैं, तीसरा देखिए, कंठ रोहणी रोग या डिप्थीरिया जिसको बोलते हैं। देखिए ग्रसनी कोशिकाओं में एक प्रकार के जीवाणु के संक्रमण के हो जाने से तीव्र ज्वर, गले में दर्द, से दर्द तक गले में झिल्लियां सी बन जाती हैं, जिससे श्वास क्रिया में बाधित होने के साथ रोगी किसी की मृत्यु हो जाती है। यह रोग बच्चों में अधिक होता है। रोग से बचने के लिए टीका उपलब्ध है। इस रोग की जाँच सिक टेस्ट द्वारा होता है। देखिए सिक टेस्ट, देखिए थोड़ा आपको नगीज कह देते हैं, थोड़ा जल्दी आपको हो जाए। देखिए हिला भाई एकदम पूरा, दिखाई दे रहा है, देखिए देखिए डिप्थीरिया। अब डिप्थीरिया के बाद दूसरा आते हैं, देखिए टिटनस। ये मानव में अत्यधिक खतरनाक रोगों में से एक है। इसे उत्पन्न करने वाला जीवाणु देखिए क्लोरोस्टेरिडियम टाइटेनाई मृदा में हर जगह पाया जाता है। देखिए अंतर जीवाणु परजीवी की विरामावस्था है। देखिए आप लोग लिख लीजिए तब समझाएं आपको, लेकिन ना दिखाया तो बताइएगा आप लोग। देखिए आप लोग को दिखाई देख के लिए इसलिए थोड़ा सा इस तरह कर रहे हैं। देखिए टिटनेस से लाख आप अच्छी तरह लिखिए, जानने से दिखाई आपको नहीं देगा। चलिए लिखिए, चलिए भगाएंगे नहीं, घबराए मत। इस जोड़ विपरीत वाले दशाओं में एक होते हैं। देखिए कांच, कांटा, कील आदि चुभने से, कुत्ता के काटने, चाटने से, देखिए टिटनेस। आपको बताए थे ना बहुत आसान है, आप थोड़ा सा भी देखो ध्यान देंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होती है, देखिए संक्रमित तो कई प्रकार विष मुक्त हो जाते हैं और पेशेवर अनियंत्रित हो जाते हैं, अकुंचन प्रेरित होता है, अतः पूरे शरीर में पेशी अकड़न हो जाता है, अतः जंग लगी हुई कील चुभने से यह रोग अधिक होता है। रोग के लक्षण संक्रमण के कुछ घंटों बाद उत्पन्न हो जाता है। जबड़ों में पेशियां सबसे अधिक जकड़ने लगती है। इस रोग के बचाव DPT का टीका लगाया जाता है। त्वरित उपचार ATS का इंजेक्शन, प्रतिजैविक औषधियां, पेशी संतुलन प्रेरित करने वाली औषधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए देखिए पूरा ऊपर मत जाइए, थोड़ा थोड़ा चलिए नीचे पहुंचते हैं। अब देखिए काली खांसी या कुक्कर खांसी माते हैं। ये भी प्रकार का जीवाणु बोट्रेला प्रटुलियस तरह ग्रसनी की कोशिकाओं के संक्रमण से होता है। इस संक्रमण से गले में श्लेष्म की गति रुक जाती है और खुश्की का खांसी हो जाती है। शनै शनै
श्वास की कठिनाई बढ़ती जाती है और अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। ये रोग प्राय 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पाया जाता है। रोहिणी रोग कुक्कर खांसी टिटनेस के बचाव के लिए एक समय टीके का प्रतिरक्षणी किया जाता है। इस टीके को DPT टीका कहते हैं। देखिए आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बताएं। देखो अब सही दिखाई दे रहा है, इतना बीजी दिखाई दे आपको, सब दिखाई देगा। चलिए ठीक है, देख लीजिए, एकदम घबराए मत, जब तक आपका नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई भी चीज़ देखिए टिटनेस तो आप अपने मन से भी बना लिख सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है। इसी बुक का देखिए मैंने आपको लेक्चर भी दे दिया है ताकि आपको आपको आसानी हो जाए पूरा। लेकिन ना दिखाई दे, देखिए बड़ा भी कह दे रहे हैं। देखिए छूटे ना नोट, खराब हम मत करिएगा। देखिए ओके, देखिए कोई भी चीज़ आपका छूटे ना बना पाए। चलिए आते हैं तवे दी टीवी पाते हैं आप। देखिए तपेदिक का टीबी जो है ना, तपेदिक टीबी देखिए, ये मनुष्य में घातक जीवाणु जनित रोग होता है। आप देखिए कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे, ये लिखेंगे कि यह रोग जीवाणु जनित रोग है, इसे जीवाणु से फैलने वाला एक तरह का घातक बीमारी है। देखिए इसे बना बना के आप लिखेंगे तो जल्दी हो जाएगा आपका। चलिए देखिए पढ़े आगे। देखिए ये मनुष्य का एक घातक जीवाणु जनित रोग होता है। ये देखो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा फेफड़ों में संक्रमण से होता है। संक्रमण के लगभग 3 महीने बाद रोगी प्रचंड खांसी व चपीड़ा तथा उच्च ज्वर शिकार हो जाता है। खांसी के साथ साथ भूरा सा बलगम आने लगता है जिसमें उपस्थित जीवाणु अन्य लोगों को संक्रमित करते हैं। फेफड़ों के जीवाणुओं के चारों ओर कैल्शियम तथा जन तंतुओं के जमाव का गुलिकाएँ बन जाती हैं। गुलिकाओं से फट जाने से जीवाणु अस्थि मज्जा वृक्कों आदि को संक्रमित कर लेते हैं। टीबी से बचाव के लिए भी बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है। इस रोग हेतु आइसोसाइनाजिट तथा कुछ औषधियों का प्रयोग किया जाता है, परंतु यह औषधि प्राय रोगों में प्रारंभिक अवस्था में सफल उपचार कर देती है। देखिए टीबी के लक्षण दिखते ही आप पहले शुरुआत में अगर आप करेंगे तो आपको आसानी से इसका इलाज मिल जाएगा। वैसे आजकल देखिए सदर उदर में हर जगह टीबी क्या है, इलाज तो शुरू हो गया। इसका DTT डॉट देखिए डॉट जो है हर जगह अस्पतालों में फ्री और सरकार इसके लिए आपको मुहैया करा भी रही है, तो आप ऐसे बना के लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए अब हो गया नहीं पूरा। चलिए देखिए अब देखिए नीचे कुष्ठ रोग भी आपको बता रहे हैं। कुष्ठ रोग क्या है, ये मुक्त देखिए जीवाणु से होने वाला एक तरह का रोग है जिसमें हाथ पैरों चेहरे आदि की त्वचा में नीचे तंत्रिका में घाव हो जाने से स्पर्श पीड़ा संवेदन समाप्त हो जाती है और प्रभावित अंग विकृत हो जाता है। ठीक है, यह ऐसे जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेरी के संक्रमण से होता है जो है मनुष्य का प्रसन्न फायदा। इस रोग से उपचार उत्पाद जैविक औषधियाँ ठीक है डेफ्सोन अकेले तथा रिप्सिन साथ दी जाती है। इस रोग में रोगी की शरीर जो मांस रहता है कट गिरने लगता है, सौने लगता है। कुष्ठ रोग को लिप्रोजी कहते हैं, हैंसन डिजीज भी कहते हैं। देखिए ना आपको देखिए ये भी दिखा दें, देखिए दिखाई दे रहा है ना एकदम। चलिए घबराए मत, बिना आपको पूरा कराए नहीं जाएंगे। चलिए हैजा पाए, चलिए हैजा भी आ जाते हैं। देखिए हैजा बता दिए, ये देखिए दूषित भोजन से होता है ना। ये भोजन के साथ आत्म पोषण वाले पाक जीवाणु है बाइब्रुक क्लोरी के संक्रमण से होता है। दस्त तथा अतिसार तथा उल्टी के लक्षण हैं। देखिए दिखाई दे रहा है ना, देखिए आपको दिखाई देगा बड़ा हिम्मत। इसमें अतिसार इतना प्रचंड होता है कुछ ही घंटों में शरीर से लीटर जल निकल जाता है। त्वचा सूखी ठंडी झुर्रीदार हो जाती है, आंखें धस जाती है, पेशियां अकड़ जाती है, रोगी बेहोश हो जाता है। समय पर उचित उपचार न में रोगी मृत्यु भी हो जाती है। रुधिर में ग्लूकोज तथा लवण आदि का घोल चढ़ाकर प्रतिजैविक औषधियों के रोगी उपचार किया जाता है।
देखिए हाइजा में जैसे पानी चढ़ता है ना आपको, बस अब देखिए आप थोड़ा नगेस के देख लीजिए। ठीक देखिए है ना हैजा, देखिए प्लेग के बारे में इसमें देखिए एक छोड़ दिया गया है, तनिका स्रोत हटा दिए, लेकिन तो है नहीं कोर्स में भी, लेकिन इसमें लिखा था लेकिन फिर भी इसको नहीं लिखा है। देखिए प्लेग, देखिए अब इसमें करना प्लेग वाले माना है, अब प्लेग में लिखिए ओके। देखिए प्राचीन काल से मनुष्य का दिल दहला देने वाला कैसा रोग है, रोग रहा है, देखिए है ना, तो पता नहीं दिख रहा है। एक ऐसा रोग है जिसे महामारी के रूप में फैल कर पूरी पूरी मानव को नष्ट किया है। यह देखिए है ना, ये एरसिनिया पेस्टिस पेस्टुरुला पेस्टिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। चूहे में एक पिस्तू, देखिए ये कह रहे थे चूहे में देखो एक तरह का पिस्तू पाया जाता है, लेकिन अन्य अगर हो तो आपको देखिए ऐसे दिखाई दे रहे हैं, देखिए अब दिखाई दिया लाइट जला देता हूँ, दिखा देखिए ठीक। देखिए चूहे में एक प्रकार का पिस्सू, देखिए पिस्सू देखिए पाया जाता है। इस जीवाणु को फैलाने वाला रोग पोषक था रोग वाहक होता है। जब मनुष्य की त्वचा को काटता है तो जीवाणु मनुष्य के रुधिर में चले जाते हैं, रुधिर से जीवाणु में कोको और रानों की लसिका गांठों में जाकर रुधिरवानों की दीवारों को नष्ट कर देते, जिससे त्वचा के निचले रक्त स्राव के शरीर के सतह काले क्षेत्र में दिखाई देने लगते। इस काले क्षेत्रों को मृत्यु दर अत्यधिक होने के कारण प्लीग को काली मृत्यु भी कहा जाता है। इस बचाव के लिए टीकाकरण करते हैं, इसके उपचार रीति देखिए स्ट्रेसोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन आदि प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप लिख लीजिए पहले पर इधर लिखे तो बताएं, देखिए छूटे ना, देखिए इधर भी कह दे थोड़ा सा तो आ जाए एक ही में। ये लिखते चलिए अब लोग फटाफट, आपका वर्क हो गया, सभी लोग कब तक आगे बढ़े। देखिए प्लेग बहुत घातक घातक बीमारी है, देखिए इसीलिए हम आपको थोड़ा लेक्चर भी देते जा रहे हैं, थोड़ा आपको बताते भी जा रहे हैं। देखिए है ना, देखिए आपको पूरा लग पास साफ दिखा दे रहे हैं बड़ा बड़ा करके। देखिए सब आप हो गया। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, तक कोई बात नहीं। देखिए अपने जब तो हम आपको अच्छे करा रहे हैं। अब चलिए तो कुछ क्वेश्चन का भी हम करवाते हैं, अगले वीडियो में हम कवक से होने वाले रोग को बचाएं बताएंगे। चलिए अब हम आगे दूसरा आगे बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन लिखिए, टाइफाइड रोग की पुष्टि के लिए, देखिए टाइफाइड रोग की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। ठीक है विडाल परीक्षण, ध्यान दीजिएगा आप ले लीजिए, टाइफाइड रोग की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, विडाल परीक्षण। फिर उसके नीचे चलो देखिए निमोनिया रोग के किसी रोग कारक का नाम बताइए, देखिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हीमोफिलस
इन्फ्लुएंजी जीवाणु हो चुका है। ओके लिखते चलिए मेरे साथ साथ। देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताते चल रहे हैं आपको, ताकि आपका नोट अच्छा से बन के तैयार रहे। चलिए आगे बढ़े, कह लीजिए कोई बात नहीं। चलिए अगर दूसरा क्वेश्चन पाइए आप। देखिए अगला क्वेश्चन, डेंगू बुखार, देखिए है ना, डेंगू बुखार के वाहक का नाम बताइए। देखिए डेंगू बुखार के वाहक का नाम क्या, एडीज इजिप्टी मच्छर है, क्या है देखिए एंडीज है ना, देखिए एडीज इजिप्टी मच्छर। ओके लिख लीजिए आप लोग, दिखाई दे रहा, चलिए देगा भाई देगा। देखिए चलिए नीचे आते हैं। देखिए तंबाकू में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है, निकोटीन। ओके ये थोड़ा बड़ा कर लिखा है, छोटा कर दें। देखिए तंबाकू कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है, निकोटीन। देखिए ना निकोटीन, विभ्रम उत्पन्न करने वाला औषधियाँ के उदाहरण दीजिए। देखिए कोको कोला है, एक लाइट है। देखिए कोको कोला है ठंडा, जितने भी पेय पदार्थ पिए जाते हैं ये हमको विभ्रम करते, क्या करते हैं, भ्रम भ्रमित करते हैं ये, इसीलिए हमको ये पीना नहीं चाहिए, लेकिन लोग फैशन में इसको पीते हैं। चलिए देखिए ओके नीचे देखिए एड्स, आगे बढ़ें पहले इतना लिख लीजिए ताकि बढ़ें। हो जाए बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एड्स एचआईवी का पूरा नाम, एड्स एचआईवी का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म देखिए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए एचआईवी का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है आपको मिला कि नहीं मिला। देखिए दोस्तों एचआईवी का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, देखिए एड्स फैलाने वाले वायरस का नाम बताइए क्या, एचआईवी। एड्स की पहचान किस निदान तकनीक से की जाती है, इलिसा। देखिए हमने बताया था इलिसा किट, देखिए एंजाइम संलग्न प्रतिरोधी शोषक किट। एचआईवी देखिए क्या है, एचआईवी क्या करता है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के किस कोशिका को नष्ट करता है, सहायक टी लसिका कोशिका को, टी हेल्पर लिम्फोसाइट को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। देखिए आप लोग इसको लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया क्या भाई। चलिए देखिए हो ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, ताकि आप लोगों का देखिए नोट कोई चीज़ छूटे ना। देखे छूट जाता है कमेंट बॉक्स हमको बता दीजिएगा, फिर से उसको हम फोटो लेकर आपको भेज देंगे, कोशिश तो हम यही कर रहे हैं। एक एक मिनट पे देखिए आपको एक एक मिनट आपको करा रहे हैं, ठीक अब हो जाएगा ना आप लोगों का। देखिए नोट बनवा रहे हैं इसीलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है, नहीं ऐसा हमको इंटरेस्ट कोई नहीं है, नहीं लेक्चर देख निकल जाते हैं। चलिए ठीक है आगे बढ़ रहे हैं, चलें चलिए इसको देखिए। नैक का पूरा नाम बताइए, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, इसको भी लिख लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट तभी लिखवा रहे। कैंसर के उत्तरदायी जीन का नाम बताइए, देखिए उनको जीन आप लिख लीजिए अच्छी तरह से, तब आगे पे बढ़ते हैं। ओके अब आ जाएगा आप लोगों को, नहीं आ पाएगा। चलिए लिख लीजिए बिना लिखा आपको नहीं जाएंगे। सभी लोग जितने भी हैं
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, चलिए दोस्तों देखिए आगे ये भी क्वेश्चन लिखिए। निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? देखिए टिप्रेनोसोमा देखिए ना, ठीक देखिए थोड़ा लिखिए, नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा जब दिखाई देगा। देखिए चिकनगुनिया विषाणु का वाहक एडीज मच्छर है, पी ज्वर का वाहक एडीज है, एडीज इजिप्थाइक वाहक डेंगू बुखार है। देखिए लिख लीजिए, देखिए आए हुए हैं क्वेश्चन, देखिए कई कई जगह से हम लोग नोट बनवा रहे हैं, इसीलिए आपको देखिए आपको हम कह रहे हैं लिख लीजिए। अगर लिखे हैं तो मत लिखिएगा, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। चलिए चलिए आगे बढ़ें। चल इधर इधर भी देखिए, देखिए 14 क्वेश्चन आगे निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? टीबी, टीबी के टीके का नाम देखिए BCG है, एनडी सीरम होते हैं, एंटीबॉडी, बस जो जो देखिए निशान लगाए पर उसमें उसको लिखिए, नहीं नोट खराब हो जाएगी आपके। चलिए देखिए ये पहले आपका हो गया, तब आगे बढ़ें। चलिए अब इसमें देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से लिख लीजिए आप लोग, देखिए आपकी नोट अच्छी बनेगी नहीं। देखिए देखिए एक वीडियो आप अगले वीडियो में हम आपको कवक बताएंगे, कवक फंगी या प्रोटोजोआ जो भी बताएंगे अगला वीडियो। ये लेसन जो 8 है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए निकलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। देखिए ठीक आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और बचा है। निम्न में किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है? देखिए टाइफाइड, टाइफाइड बताया था ना, देखिए बहुत आपको देखिए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक। चलिए आपका हो गया भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो छूटे ना भाई आप लोगों का, अगर छूटा और बता दीजिए। देखिए इधर भी करा दिए आप लोगों को, इधर भी देखिए हमने करा दिए हैं ताकि छूटने ना पाए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लिखे, व्यसन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए व्यसन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए ड्रगों तथा अल्कोहल के कुछ प्रभावों के प्रति लत एक ठीक है मनोवैज्ञानिक आसक्ति, यह प्रभाव देखिए सूखा भाषा और भला चंगा होने की अस्थायी भावना जो व्यक्ति को उस समय भी ड्रग अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करने से जुड़ी है जबकि उसकी जरूरत नहीं होती, उनका इस्तेमाल आत्मघाती ड्रग को बार बार उपयोग करने से मौजूद। देखिए पहले आप लोग इतना प्रॉपर लिखिए, आगे बताएं, ठीक है, लेकिन नोट बनाते चलिए लिखते रहिए चलिए ताकि आपको जल्दी हो जाए। देखिए जीवा इसमें क्या था, जीवाणु नहीं था लेकिन अलग था, व्यसन छूट गया तो हुआ इसमें, इसीलिए हम इसको व्यसन करवा रहे हैं। एग्जाम में आया हुआ था एक बार तभी हम इसको करवा रहे हैं, अभी तो मिल गया मुझे तो हम कराते चले इसको भी, ओके। चलिए पीछे देखिए ग्रहणियों को शुरुआत स्तर में बढ़ जाता है, इसके फलस्वरूप ग्राही ड्रगों या अल्कोहल का केवल उच्चतर मात्रा के प्रति अनुक्रिया करते हैं जिसके कारण अधिक देखिए अधिकाधिक मात्रा में लेने की लत पड़ जाती है। लेकिन एक बात बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि इन ड्रग का एक बार लेना भी व्यसन बन जाता है। इस प्रकार ड्रग अल्कोहल को व्यसनी शक्ति उनके इस्तेमाल करने वाली एक दोषपूर्ण चक्र में घसीट लेता है जिसके उनका नियमित सेवन को उपयोग करने लगते हैं। इस चक्र से बाहर निकलना उनके बस में नहीं होता है, किसी मार्गदर्शन या परामर्श के अभाव में प्रति व्यसनी लती बन जाता और उनके ऊपर आश्रित होने लगता है। देखिए हमने आपको बताया ना कि किसी नशा की लत लग जाना ही व्यसनी कहलाता है, एक बार आपको ये लत लग गई आप उसको छोड़ नहीं सकते,
इसीलिए कहा जाता है नशा नाश की जड़ है। नशा हम नहीं करते, नशा हमें भी करती है, ठीक है। इसलिए कृपया आप नशे से दूर रहें, अवॉइड फ्रॉम, ठीक है, एल्कोहल, ड्रग्स, अफीम, गाजा, अवॉइड कर दीजिए सब चीज़ों को, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है टिक्की कोचिंग राजेश 2। आपसे मेरी बड़ी उम्मीद है, अगर आप हमारे देख रहे हैं, अगर आपकी नोट अच्छी बन रही है, आपको अच्छा हो रहा है मेरे साथ, तो थैंक्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम आपको कवक जो भी होगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।